आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला था, एक सूखा मिर्च डाली हूँ और ऑनियन प्याज डाली हूँ, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसी ऑयल में अंडा भी फ्राई किया है, इसलिए इतना झाग आ रहा है। अंडा जिस तेल में आप फ्राई कीजिएगा उसी में उसी से बनाइएगा तो स्मेल अच्छा आता है। इसमें मैं अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाली हूँ, अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। अब इसमें टमाटर डालूंगी, अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक हल्दी थोड़ा धनिया जीरा का पिसा हुआ मसाला, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया हल्दी नमक और चिकन, सबको मिला लेंगे अच्छे से। देखिए मेरे मसाले में ऑयल छोड़ गया है, लगिए फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू भी फ्राई करके रखे हैं, उसको भी मैं अब डालूंगी। देखिए मैंने आलू डाल चुके हैं, इसको मैं थोड़े से फ्राई करूंगी क्योंकि पहले से मैंने आलू फ्राई करके रखे थे। तेजपत्ता डाल दीजिए जिससे इसमें लगता है, आप इस तरह से भी फ्राई करके भी आलू और अंडे भी फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन ये करी बनाना। बस मेरे अच्छे से ये सब फ्राई हो चुके हैं, आलू मसाला टमाटर देखिए पूरा गल चुका है, और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगा। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है जितना ग्रेवी के उसके हिसाब से मैं की हूँ, थोड़ा सा ये कम हो जाए उबल के तो मैं इसमें अंडे डालूँगी उबलना स्टार्ट हो जाए तो। देखिए ये उबलना स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें से एक दो आलू तोड़ दूँगी। मैं अंडे को दो भागों में काट के फ्राई की थी, अब इस अंडे को मैं ग्रेवी में डाल दूँगी। देखिए मेरा अंडा करी तो रेडी हो चुका है, अब इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं क्योंकि मैं चावल बनाई हूँ इसके साथ। मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी। देखिए